कोरोना वायरस के लगातार बदलते स्वरूपों से पूरे विश्व में भय का माहौल है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में पाए गए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही दुनिया को एक बार फिर लॉकडाउन की गिरफ्त में कैद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार विश्व को महज ओमिक्रॉन से खतरा नहीं है, विश्व पर ओमिक्रॉन के साथ ही डेल्मिक्रॉन नामक वेरिएंट का खतरा भी मंडराने लगा है। यूरोप के कई देशों में लगातार बढ़ रही कोविड संक्रमण के पीछे एक नए डेल्मिक्रॉन वेरिएंट के होने की आशंका जताई जा रही। डेल्मिक्रॉन क्या है? डेल्मिक्रॉन कोरोना वायरस का एक नया रूप ही है, बल्कि डेल्टा और ओमिक्रॉन एक साथ मिलकर कोविड 19 मामलों को बढ़ावा दे रहे हैं। डेटा से पता चल रहा है कि अमेरिका में ओमिक्रॉन अधिक प्रभावशाली है और कोरोना के सभी नए मामलों में 73% इसका योगदान है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा, डेल्टा संस्करण पिछले महीने अमेरिका में 99.5% से अधिक कोविड 19 संक्रमण के प्रसार के लिए जिम्मेदार था। डेल्मिक्रॉन पर विशेषज्ञ की राय। एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों का कहना है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, बुजुर्गों, कॉमोरबिडिटी वाले लोगों को डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। इसमें कहा गया है कि कम टीकाकरण दर वाले क्षेत्र भी जोखिम में है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर बटे हुए हैं कि क्या दो प्रकारों के संयोजन से सुपर स्ट्रेन हो सकता है। मॉडर्ना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पॉल बर्टन ने कहा कि ये संभव है कि दोनों उपभेदों में स्ट्रेन की अदला बदली हो सकती है और अधिक खतरनाक प्रकार को ट्रिगर किया जा सकता है। बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन को लेकर शुरुआती डेटा बताते हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षा को चकमा देने में सक्षम हो सकता है। ऐसे में कई देश बूस्टर डोज देने पर काम कर रहे हैं। डेल्मिक्रॉन का भारत पर पड़ेगा असर। महाराष्ट्र में कोविड 19 टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा है कि इस बात की संभावना है कि पश्चिम डेल्टा के जुड़वा स्पाइक्स और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच फंस गया। डॉक्टर शशांक जोशी के हवाले से एक प्रमुख समाचार पत्र में उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुड़वा स्पाइक्स डेल्मिक्रॉन के कारण मामलों की एक छोटी सुनामी आई है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक ये अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से बने नए वेरिएंट डेल्मिक्रॉन का क्या असर हो सकता है। ऐसे में हमें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।